मारेगा में तो अंदाजो लगे भी भरत सिंह जीत के निकले मारेगा में। हमारा प्रचार है जी, अभय सिंह जी चौटाला को जिता रहे हम तो। सरकार बीजेपी की, कांग्रेस आएगी जी यहाँ तो। मैं तो कांग्रेस ने वोट दिया भाई, बर्तन दिया। देखो प्रचार तो चौटाला को लगा है, बर्ता को चाल है जी। अमित जी आगे तो सरकार तो कांग्रेस की लग रही है। भरत सिंह बढ़िया बंदा है, सरकार तो कांग्रेस की होगी। मासियाना मुझे भरत सिंह बनवाल 250-300 वोटों से जीत के निकलेगा। उम्मीद है भाई इनके बिल्लू ही काटेगा सीट। सरकार में तो लोक दल की बनावा जी। हाँ अभय सिंह 50,000 जीतेगा, छोर के 50,000 हूँ, कोई शर्त मारे तब तैयार हूँ मैं। माहौल तो इधर बिल्लू भाई साहब का ही है। देखो जी सरकार तो आवेगी जी मारी, हम तो बिल्लू के आदमी हैं जी। चुटाने जिताने चाहम जी ये ठोक के। बिल्कुल जी आएगी, लाना नहीं चाहते आएगी कांग्रेस। अब बिल्लू तो अब कल कटोरी खाएगो। भरत सिंह मैं तो सदा ही जीता हूँ, वो भी कर मैंने जीता तो मैं की करूँ। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। नमस्कार, मैं प्रियंका वर्मा, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं द सड़क नामा .com। तो आज हमारी यात्रा जो है हल्का एलाहाबाद के गांव माधे सिंगाना में पहुंच चुकी है। तो यहां के लोगों से हम जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या माहौल है। तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि चुनाव को लेकर क्या माहौल है। एलाहाबाद हल्के में माधे सिंगाना में आपके चुनाव का प्रचार कैसे चल रहा है? हमारा प्रचार है जी, अभय सिंह जी चौटाला को जिता रहे हम तो, उन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो अभय सिंह चौटाला जी से आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें जी वो अच्छे वोटों से निकलेंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। चुनाव प्रचार को लेकर क्या माहौल है आपके गांव का? माहौल अभी तो कोई पता ही कौन लगे, अभी देखो मैदान में उतरेगा कोई आवागा तो पता लगा, अभी तो कोई माहौल को नहीं है जी। तो 10 साल बीजेपी रही भी, उसके बारे में क्या कहोगे? बीजेपी के बारे में ठीक है, माहौल बढ़िया है, बीजेपी के बारे में काम अच्छा काम करे है। तो इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे हो, बीजेपी की? सरकार बीजेपी की, बीजेपी की। तो विकास कार्य के बारे में कुछ बताइए, बीजेपी ने क्या क्या कार्य करवाए? बीजेपी नौकरी लगाया है और जहाँ गाँव में विकास भी बहुत करवाया है। चुनाव प्रचार को लेकर क्या माहौल चल रहा है गाँव में? ठीक ही चल रहा है। अच्छा, किन्हें जीता होगा आपकी बारी? बढ़ते बहनने वाले अभय सिंह चौटाला। देखो विचार तो चौटाला को ही लगा है। अच्छा, बाकी आगे देखो। अच्छा, थारो के विचार है? हमारा तो विचार चौटाला को ही है। अच्छा, तो बांग कोई काम कुम करवाए है पहला बिंग बार बताओ? काम तो सारे की बांग कराए है। अच्छा, के उम्मीद है थाना आगे जब जीत जाए तो? उम्मीद तो भी काम करा तो अच्छा काम करा तो जीतेगा। तो आपके गांव में कैसा चल रहा है चुनाव को लेकर? तो बढ़िया जी, बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छे समीकरण है चुनाव के। और आमने सामने किसकी टक्कर है आपके गांव में? अभय सिंह और भरत सिंह की है। तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? वो तो जी जनता पे है, वो जो विकास करेगा वही इसमें अपने चुनाव में बाजी मार जाएगा, और जो झूठे वादे करेंगे और वो फिर रह जाएंगे। आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है? अमित जी आगे तो सरकार तो कांग्रेस की लग रही है। तो कांग्रेस सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो वो कहते हैं काम करेंगे, और इनको तो 2-3 साल हो गया देख लिया। तो भरत बहनी वाले अभय सिंह चौटाला जी खड़े हैं, उनके बारे में? भरत सिंह बढ़िया बंदा है, जानते हैं, जीत भी सकता है, कोई पता नहीं। तो भरत बहनी वाले कोई जीता होगी उसकी बारी? नहीं कोई पता नहीं, हम तो उसको इतना जानते हैं, उसके घर भी गए हुए हैं, बढ़िया आदमी है, उसके पास जाएंगे ना। चाहते हो वो आए इस बार? हाँ चाहते हैं, वो तो आ जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन हम तो बीजेपी के आदमी हैं, हम उसको भी वोट दे सकते हैं, वो हम आदमी को देंगे पार्टी को नहीं देंगे। तो चुनाव प्रचार को लेकर क्या माहौल चल रहा है गांव में? माहौल तो जी ये ऐसे है ना कि देवीलाल की निशानी है बिल्लू, जब तक ये देवीलाल की निशानी अगर ख़त्म होगी तो देवीलाल का नाम मिट जाएगा, इसलिए उम्मीद है भाई ये बिल्लू ही काटेगा सीट, सरकार बनेगी भाजपा, सीट बिल्लू। हाँ जी, अभय सिंह चौटाला जी को जिताना चाहते हो आप? देखो वोट तो भरत बहनी वाले को भी जी करता है, लेकिन बिल्लू की दादी की निशानी है जी है देवीलाल की। अब की बार किसकी सरकार बना रहे हो? सरकार में तो लोकदल की बनावा जी। अच्छा, अभय सिंह ने मुख्यमंत्री चाहा। अच्छा, 28 साल का बैठे है भूखा। अच्छा, तो अभय सिंह चौटाला की उम्मीद करो थी? उम्मीद साड़ी पड़ी है डायड को, वो देखो पहले दिए नेरा और नौकरी लगाओगे, महंगाई कोई कम कराऊंगा। हैं तो 10 साल बीजेपी रही भी होगा? बीजेपी मेरे लिए तो बहुत ही टॉप की, और के लिए तो बेरो कौन मन दो। तो चुनाव प्रचार को लेकर क्या माहौल चल रहेगा? अच्छा चल रहा है, की तरफ चल रहे हो लोग जमाई की तरफ? अभय सिंह चौटाला जी। हाँ अभय सिंह 50,000 जीतेगा। तो सामने टक्कर किसकी उनके साथ? टक्कर किंग है, किंग ही को नहीं, एक तरफ है। अच्छा, टक्कर कोई पीड़ो बिंदा भले मार लियो अरविंद का कौन है, एक तरफ है यहाँ काम कर रहा है नहीं चौटाला देवीलाल का बहनी वाले और अभय सिंह चौटाला, ये दोनों ना जी मुकाबला ही को नहीं, गठा गंगलो तेली गठा राजा भोज। अच्छा,
शोर के 50,000 हूँ, कोई शर्त मारे तब तैयार हूँ, कितने की मान ले जो मर्जी अभी तक तैयार हूँ शर्त मारने। माधव सिंघाना में क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? मैम माहौल तो इधर बिल्लू भाई साहब का ही है, अभय सिंह चौटाला वो एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफा जीत रहे हैं जी बिल्कुल, उन्होंने काम बहुत कराए हैं इस एरिया में। तो अभय सिंह चौटाला जी से क्या उम्मीदें आपको? उम्मीदें यही है वो सरकार में अपना हिस्सा बनाए और हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा काम। उनके सामने टक्कर किसकी है अभय सिंह चौटाला जी के सामने? अभी तक तो कोई नहीं है टक्कर में जी। चुनाव प्रचार को लेकर क्या माहौल चल रहा है गांव में? देखो जी सरकार तो आवेगी जी मारेगी, हम तो बिल्लू के आदमी हैं जी, बाकी और कोई मंत्री को नहीं जी। तो बिल्लू जी से आपको क्या उम्मीद है? हमें तो पहले उम्मीद बहुत दी थी उसने हमें, अब आएगा 20 सालों बाद तो भी हमें बहुत उम्मीद है जी, इसलिए मुंह धो रखा है भी बिल्लू आ जाए तो हम कुछ सरकार में कुछ करें। तो उनके कोई कार्य वगैरह करवाए हुए हैं उनके बारे में? कार्य क्या नहीं किए हुए जी, उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है जी। सरसा में कौन सा काम नहीं किया हुआ पहले ये बताओ, मुझे ये बता दो कौन सा काम नहीं किया हुआ, और इन्होंने आगे 20 साल हमारे लिए क्या किया सिरसा के अंदर? सिरसा में क्या हराने में, अब इतने 10 सालों में किसी बच्चे को नौकरी दी है तो बताओ? अब पहले बता रहे थे 48,000 नौकरी निकालेंगे, 10,000 नौकरी निकाल के चुप हो गए, और कभी पेपर लीक कर देते हैं, आप पूछ लो सभी से। फुल पलड़ा भरी है, पहले 10,000 से जीता था, 25,000 वोटों से 30,000 वोटों से जीतेंगे, कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे, और सरकार खुद बनाएंगे और वहाँ वहीं जाके बनाएंगे, आपके फार्म पर बुलाएंगे सभी को, मैं प्रधान मुख्यमंत्री बनना है, उसी के पास जाएंगे मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भाई तो आप मुख्यमंत्री बनो हम आपकी झोली में डालते हैं इतने मंत्री, ये आपको बता दें आज 8 तारीख को देख लेना आप, और ये आप बात नोट कर लेना दीपक कुमार सेठ की। मैं तो अब किन्ने जीता हूँ सारा ही मेरे तो बात हो रही है, मेरे तो बोरा सरकार टिकट रह गया, अब दो साल हो गया, गरे झूंपड़ी कच्ची है बिल्कुल, मोटर जमीन आला नारा सारा ने मोदी सरकार देने ला रही है, अरे मेरे तो कार्ड काट रखी है सारों की कर रखी है, तो मैं फिर भी सभा सरकार मेरे के काम की है, के काम की है। तो मैं तो अब सरकार को बढ़िया आवे बखे मंत्री बढ़िया आवे अच्छो आवे चुटाले सरकार आवे। हाँ हाँ चुटाला जितानो चाहो? हाँ चुटाला जितानो चाहो जी, ठोक के हाँ बहुत। सुबह सिंह चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है गांव में? कांग्रेस आएगी जी, यहाँ तो पक्की आएगी कांग्रेस 100% श्योर हूं, 101% जी हाँ बिल्कुल, सब सारे चोर हैं, ये कांग्रेस ने पहले गरीबों को प्लाट दिए सारी चीज़ें दी, 35 किलो कणक मिल रही थी परिवार खा रहा था, ये तो सारे अब लुटेरे हैं सारे। तो आप कांग्रेस सरकार को लाना चाहते हैं? बिल्कुल जी आएगी, लाना नहीं चाहते आएगी कांग्रेस, हाँ जी बिल्कुल आएगी। इनका तो एक ही झूठ पकड़ा गया जी, खट्टर साहब ने कहा था पीछे भी पहले महीने जनवरी को भाई मैं 3,000 रुपया तनख्वाह दूंगा जिसकी शादी नहीं हो रही जो इसकी लुगाई मर गई, अभी तक मेरी तो तनख्वाह आई कौन जी, और 3,000 रुपये मेरी तनख्वाह तो आई कौन, 8-9 महीने हो गए डीकता ने। चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है गांव में? बढ़ता कोई चाल है जी, भरतबैनी वाल को जिताना चाहते हो? तो क्या कहना चाहोगे उनके बारे में, भरतबैनी वाल जी के बारे में? बढ़िया आदमी है और तो क्या कहना चाहूँ। चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है माधव सिंह? माहौल ठीक है जी, बढ़िया है। तो आपकी बार किसकी सरकार बना रहे हो हरियाणा में? सरकार तो कांग्रेस की होगी। कांग्रेस की अच्छा, तो बीजेपी 10 साल रही उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ना जी लोग की दाब रहे बीजेपी, वो आंदोलन वाला फर्क ज्यादा पड़ गया। तो कांग्रेस सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? अच्छा तो आपने तो अट तो अभय सिंह जी चुनाव को किया चलना रहे थर गांव अंकल जी घणो ही तकड़ो जोर है। अच्छा कौन-कौन लाग रहे है? भरत सिंह बैनीवाल और अभय सिंह चौटाला किंग आमने सामने टक्कर है लाग रहे है सारनो ज्यादा बीजेपी वाला को जोर है। अच्छा अमीर चंद हां अच्छा मेरे बाद में आप है अब बिल्लू तो अब कल गटरोड़ी खाएगो। अच्छा तो ठीक है जिताना चाहो कल किन जिताओगा? मैं तो अभी आप वाले जिताऊंगा आप पर नाम बंगो ना पर हूं कैंडिडेट आप वाला कैंडिडेट को नाम बताओ तो अरे झाड़ू है मारो भरत सिंह। अच्छा भरत सिंह ने जिताओगा बेनीवाल ने तो भरत सिंह बेनीवाल जी थाने के काम कराए कोई बंग के उम्मीद है तो जी है के वो पहले जीते हो तो हाथ कौन कराए कौन कभी जीते हो तो कराए या। अच्छा मैं भी है कभी जो को पार्टी वो है वो तो आपकी पार्टी नहीं वोट देगा तो अब करते भरत बेनीवाल जी जिताओगा? वाह मैं तो सदा ही जीता हूँ अपने मोबी का कर मैंने जीता तो मैं करो वोट दे दिया मारो तो वोट गिरना फर्ज बना है। भरत बेनीवाल जी थाने के उम्मीद है? और उम्मीद आप ही तो ठीक है मैं ये है कि कई दिन फिरे नहीं फिर मैं थक जाए दो एक दिन रह नहीं फिर मैं ढीला पड़ जाए ढीला पड़ जाए जो लोग दे लड़ा
आगे देखो के बन सके 18 दिन पड़े बाकी ये तो कह दादा लाई गड अब क्या कांग्रेस की है हवा बिंगो भी साहब आपसे टक्कर अब कल थर गांव में टक्कर किंगे मारे गांव में तो अंदाज तो लगे भी भरत सिंह जीत के निकले मारे गांव में हां कितने वोट होने अब के केस का मिला अब बात है तो बांग सामने टक्कर किंगे चलन आ रही है बेनीवाल जी टक्कर तो आगे दोनों की ही चले भरत सिंह जी और अभय सिंह जी आने के लगे अब कौन मैं तो कांग्रेस ने वोट दिया भाई भरत सिंह जी अच्छा भरत बट बेनीवाल जी को थाने के उम्मीद है और उम्मीद तो काम का कोई काम मार काम करा हो अच्छा पहला के काम कराया था मानो कोई काम पड़े भरत सिंह हाथों हाथी आए हो माधी सिंघाड़ा में चुनाव प्रचार को लेकर क्या माहौल चल रहा है माधी सिंघाड़ा में जी भरत सिंह बेनीवाल 250-300 वोटों से जीत के निकलेगा भरत सिंह बेनीवाल एक आम आदमी है जैसे हमारे जैसे किसान है वो उनको हाथ पकड़ के कहीं ले जा सकते हैं जी अरे बिल्लू डर लग गए जी लोगों ने कोई मुख्यमंत्री थोड़ी बने वो कोई काम कौन करे जी 20 साल है माने 50 साल है नहीं अलनवाद ने नहीं पिछाड़ रखे जी 50 साल हो गया मान लियो भी अब 20 साल में 4 बार विधायक बने तो 50 साल पीछे गया इलाहाबाद हल्का कोई समस्या गांव की समस्या घनी है जी की कौन सुलझा जी है जी